सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी, जहां पूरी दुनिया कोरोना से इस वक्त लड़ रही है और लड़ने में अभी तक नाकाम है। अभी हमारी जंग कोरोना के साथ जारी है। इसी बीच में पूरे देश भर में यानी पूरे भारत में कई जगह पर बर्ड फ्लू तेजी से फैल गया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको ये खबर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप भारत में रहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस वक्त एक्शन में आ गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में इस वक्त तेजी से, जी हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली में इस वक्त बहुत ही तेजी से बर्ड फ्लू फैल रहा है। दिल्ली के मयूर विहार के सेंट्रल पार्क में 100 से ज्यादा कौवे मरे हुए मिले, जिसके बाद पार्क के केयरटेकर ने तुरंत सरकार को जानकारी दी, जिसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी डॉक्टरों की टीम भेजी, जिसके बाद ये पुष्टि हुई कि ये बर्ड फ्लू है। दोस्तों इसी के साथ बर्ड फ्लू के केस कश्मीर से भी सामने आए हैं, हरियाणा से भी सामने आए हैं, गुड़गांव से भी सामने आ रहे हैं, खेरी, गनौली, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां से बर्ड फ्लू के केसेस सामने आ गए हैं, जिसके बाद ये अब राज्य सरकार के लिए इमरजेंसी घोषित हो गई है। जी हाँ, राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को ये पूरी रिपोर्ट भेज दी है, जिसके बाद से अब कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू से भी लड़ना पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बर्ड फ्लू कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, छोटा मोटा संक्रमण नहीं है, जानलेवा है। इसलिए आपकी जानकारी के लिए बेहद जरूरी है ये खबर। इसलिए कह रहा हूं आपसे कि इस वीडियो रिपोर्ट को जहां तक हो सकेगा शेयर कीजिएगा। इससे पहले बता दूं कि कल तक ये सभी मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाया जा रहा था कि अभी कहीं पर केस नहीं मिला है, लेकिन दिल्ली में आज ये केस कंफर्म हो गया है। और आपको बता दूं, ऐसे देश में बहुत सारी जगह हैं जहां से ये केस सामने आ रहे हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चेतावनी जारी की है, जिसके बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया है, स्वास्थ्य संस्थाओं में ज्यादा हड़कंप मच गया है, लोग परेशान हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में आपको थोड़ी सी राहत दे दूं, इसके बाद बहुत ज्यादा फेक न्यूज भी चलेंगी, जिसके लिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं कि WHO ने मुर्गे और अंडे के खाने को लेकर चेतावनी जारी करते हुए, एक क्लेरिफिकेशन जारी करते हुए ये कहा है कि आप बर्ड फ्लू के दौरान चिकन और एग खा सकते हैं, लेकिन अगर वो 70 डिग्री, कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस पे पकाया गया हो, आपकी और हमारी जबान में अगर अच्छी तरह से उसको पकाया गया हो तभी आप उसको खा सकते हैं, क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस पर पकाने के बाद बैक्टीरिया, वो वायरस मर जाता है। लेकिन आपको बिल्कुल अपने घर वालों की तरह, अपने भाई की तरह, अपनी माँ बहन की तरह यही समझाना चाहूँगा कि जब तक अब ये केस ख़त्म ना हो जाए, थोड़ा सा आप नॉनवेज को इग्नोर कीजिए, चिकन और एग को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे भारत में लोग हैं जो वो वाला बॉइल एग पसंद करते हैं जिसमें जर्दी थोड़ी नरम होती, यानी थोड़ी सी कच्ची रह जाती है, बहुत खतरनाक है। संभल के रहिएगा, सावधान रहिएगा, सेहत का अपने ख्याल रखिए, घर के अंदर रहिए, कोरोना से भी लड़ना है और बर्ड फ्लू से भी लड़ना है। जाते जाते फिर बता दूं, दिल्ली में ये बुरी तरह से फैल गया है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। चलते हैं, उम्मीद करते हैं लाल बटन दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि दुनिया की बड़ी से बड़ी खबरें कम से कम समय में ज्यादा डिटेल के साथ और आसान जबान में इसी तरह मैं आपको हमेशा देता रहूं। जय हिंद।